ये जो मार्किंग की है ओंकार गुप्ता के कॉल रिकॉर्ड में, क्या पता चला इससे? सर ये नंबर 444567876, इस नंबर से लास्ट कॉल किया गया था ओंकार गुप्ता को 23 अक्टूबर की रात। सर ओंकार जी रेगुलर टच में रहा करते थे इस नंबर। औरत कहाँ है? जी सर कोई मनीषा चंद्रा है, फिलहाल फोन स्विच ऑफ है, एक घंटे में कॉल रिकॉर्ड आ जाएंगे। और ये जो पीले रंग से मार्किंग की है इसकी क्या कहानी है? सभी लड़कियां हैं सर। लड़कियां? प्रोस्टिट्यूट सर। ओ सभी लड़कियां बेगूसराय के कोटे से ऑपरेट करती हैं। जी कस्टमर है हमरा, कई बार यहाँ आया है, कई लड़कियों के साथ उठता बैठता है, क्यों साहब क्या हुआ इसे? सर ये सिर्फ बेगूसराय के कोठे की ही नहीं, पटना के कॉल गर्ल्स के साथ भी टच में रहा करते थे, लेकिन जब से गायब हुए हैं तब से किसी ही कॉन्टेक्ट में नहीं है। वाह रंगीन, मतलब ये गुप्ता जी तो पूरे छुपे हुए इंद्रधनुष हैं। और जान पहचान के लोग क्या कहते हैं कि गुप्ता जी बड़े सीधे हैं, लेकिन हमें तो इनका दूसरा ही चेहरा नजर आ रहा है ना। नंदिनी के फोन रिकॉर्ड्स? सर अभी तक तो कुछ नहीं मिला, लेकिन स्कैनिंग जारी है। स्कैनिंग करो, बारीकी से स्कैनिंग करो। अगर पति के दो चेहरे सामने आ रहे हैं तो पत्नी के भी दो अलग चेहरे हो सकते हैं। एक वो डरा हुआ चेहरा जो कंप्लेन लिखाने आया था, और एक दूसरा चेहरा जिसे अपने पति के इस चेहरे के बारे में पता था और उसने कंप्लेन लिखाने से पहले कोई और ही रंग दिखा दिया। तो सर आपको लगता है कि ओमकार के दूसरे चेहरे के बारे में नंदिनी को पता चल गया होगा और उन्होंने कुछ कर दिया हो? हो सकता है। और ये कुछ कर देने के बाद वो पहला भोलेपन वाला चेहरा पहन लिया हो। सर लेकिन वो मनीषा चंद्रा भी तो है, ओमकार के बड़े करीबी रिश्ते मालूम होते हैं उनसे, और ये रहती भी बेगूसराय में। गायब होने से एक रात पहले आखिरी कॉल उसी का आया था। गुप्ता जी की काफी बातें होती थी इस मनीषा चंद्रा से। सर एक घंटे के भीतर हमारे पास सारी कॉल डिटेल्स आ जानी चाहिए। आने दो, सभी रंगों को खुलकर सामने आने दो। रंगदार इन्हीं रंगों के पीछे छुपा से ना। नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज करंटली। The number you are trying to call is currently switched off. मम्मी, पापा कब आएंगे? आएंगे बेटा, आएंगे। ये पिछले दिनों का कलेक्शन है और सब हिसाब भी लिख दिए अंदर। सेठ का कुछ पता लगा भाभी जी? हाँ सेना, मिल गया। हमें मनीषा चंद्रा के नंबर का एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, फोटो और एड्रेस के साथ। चौहान, कनेक्शन फॉर्म और रिकॉर्ड्स में एड्रेस सेम है, लगता नहीं कि फर्जी होगा, जरा कंफर्म करके बताइए। कौन है ये, पहचानते हैं इसको? ये तो मनीषा है, हफ्ते भर पहले तो यही रहती थी पास में, अब का कांड कर दी? पहले भी कुछ किया इसने? ये पूछिए कि का नहीं किया। ये एक नंबर की बेशरम औरत है, जवान लड़का दिखा नहीं कि टूट पड़ती थी सामने से।
तुम्हारा नाम अजय है ना? जी। बड़ी देर से देख रहे थे हमको। जी नहीं तो वो हम नहीं देख रहे थे। हाँ तुम देखते कहाँ, तुम तो बस घूरते हो है ना? नहीं ऐसा कोनो बात नहीं है। ऐसा कोनो बात नहीं हमारे में। खैर हमारे साथ चलो, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। चलो भी, डर कह रहे हो? चलो। सुपर लॉज गए हो कभी? जी नहीं गई कभी। तो चलो हम ले चलते, बहुत ही बढ़िया जगह है वैसे। पूरे मोहल्ले में थू थू थी उसकी। अकेली रहती थी? नहीं साहब, पति रहता था उसका, पर ना के बराबर। बेचारा बीमार रहता था, रात दिन खांसता रहता था और इसका इंतजार करता रहता था। The number you have dialed is busy. Please try later. लगता है बेचारे को साथ ले गई होगी। कहाँ? अब हम क्यों पता करते जी? अच्छा ही हुआ निकल गए यहाँ से, सारा मोहल्ला खराब कर रखा था। अच्छा मनीषा या इसके पति का कोई रिश्तेदार? अब हमें क्या पता कि कोई रिश्तेदार था कि नहीं, पर इसका पति 2 साल पहले कोई बिजनेस करता था, अच्छा खासा था। कैसा बिजनेस? अभी तो हमें नहीं पता, यहाँ तो ये लोग 2 साल पहले ही आए थे। ये घर तो किराए पर था, अब उससे पहले कहाँ रहते थे ये मत पूछिएगा। सर मनीषा चंद्रा के बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। ये मनीषा चंद्रा ही शायद हमारे लिए खास है ना, क्योंकि गायब होने से एक रात पहले गुप्ता जी की आखिरी बात इसी से हुई थी। सर बेगूसराय में पड़ोसी बता रहे थे कि ये मनीषा शादीशुदा है, पति बीमार है और चाल चलन की ठीक नहीं है। हाँ तो गुप्ता जी कौन से ब्लैक एंड व्हाइट हैं? हम इन्हें नहीं जानते, कौन है ये मनीषा चंद्रा? आपके पति दिन में 6 बार बात करते थे इस मनीषा चंद्रा से। हम इन्हें नहीं जानते। पक्का नंदिनी जी? जी। ओमकार जी आपके एवन के जैसा लिट्टी वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा, और यवन के जैसा चोखा। क्या बात है, तो आप सब लोगों का प्यार है महाराज। लेकिन असली जादू तो तब होता है जब दोनों का मिलन होता है, लिट्टी और चोखा। ऐसा लगता है जैसे दोनों का लव अफेयर हो कोई। अगर जादू ना होता महाराज तो लव अफेयर होता ही क्यों? असली खेला तो लव के जादू का ही है। तो अपने यवन के लिट्टी चोखा के लव का जादू फैलाते क्यों नहीं? इतनी अच्छी दुकान चल रही है, 4-6 और ब्रांचेस खोल दीजिए। अरे इरादे तो बनाए हैं, जगह भी देख के रखे हैं। देखिए आप साहब लीजिए, आपका 4 प्लेट लिट्टी चोखा और हरी चटनी अलग से बांध। अच्छा ओमकार जी हाँ, ये तुम रख लो साहब। अरे रख लो बेटा। अच्छा ओमकार जी चलते हैं। राम राम। राम राम। राम कितना दिन के लिए जा रहे हैं? 2 दिन का प्लान है, 3 भी लग सकते हैं। बताएंगे नहीं किस काम से जा रहे हैं? अरे बताए नहीं क्या, सोच रहे हैं नालंदा में एक जगह फाइनल कर दें, वहां अपना A1 लिट्टी चोखा का एक ब्रांच खोल दें। अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वहीं 6-6 महीने रह जाएं और यहाँ बीवी बच्चा को भूल जाएं। अरे नहीं भाई, वहां काम देखने के लिए किसी को रख लेंगे, चिंता मत करो तुम। यहाँ भी होते हैं तब कहाँ टाइम होता है आपके पास फैमिली के लिए? अरे इतना सारा मेहनत हम फैमिली के लिए तो कर रहे हैं। फैमिली पैसों से नहीं प्यार से बनती है। अरे प्यार तो बहुत है नंदिनी, बहुत प्यार है। कितना बड़ा हो गया है ना।
हमसे तो उठाया भी नहीं जाता। आप ही रखाइए उसे अपने कमरे में, हम वेट करेंगे। अरे सोया हुआ है, देखो कितने आराम से सो रहा है, यहीं सोने दो, हमारे साथ ही सो जाएगा। जी हद करते हैं आप, पिछले 3 महीने में हम 7 बार नालंदा आ चुके हैं मीटिंग करने के लिए। अच्छा ठीक है, आप हमारी बात सुनिए, अब भी फुल एंड फाइनल बताइए कि इस बार वहां आएंगे तो सारा कागज पत्री तैयार रहेगा या फिर से कोई बहाना बताइएगा आप। अरे ऐसा फालतू टाइम नहीं है हमारे पास मीटिंग करने के लिए। अच्छा ठीक है बताते हैं। क्या हुआ, किस पर इतना गुस्सा रहे हैं? अरे वही नालंदा वाली डील अपनी नई ब्रांच के लिए। अब देखिए ना, जब भी वहां जाते हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम बता देते हैं, अब वापस आओ तो फोन करके कहते हैं कि आ जाइए इस बार डील पक्का फाइनल करा देंगे, ये भी कोई बात है? ऐसा टेंशन लेंगे तो कैसे होगा, अभी तो ब्रांच भी नहीं खुला है और थोड़ा ऊपर नीचे तो होता रहता है ना ऐसी बड़ी बड़ी कामों में। इतना ऊपर नीचे, अरे दिमाग का दही कर दिए, अभी कहना कि अभी आ जाइए अभी डील फाइनल करा देंगे तो हो आइए ना एक बार और सही, माथा शांत रख के जाइएगा, नालंदा जाके सारा काम निपटा के आइए। अच्छा ठीक है फिर, अभी निकल जाते हैं, दोपहर तक पहुंच जाएंगे, हो सकता है इस बार 2-3 दिन रुक के ही आएंगे, रजिस्ट्रेशन करवा के ही आएंगे। अच्छे मूड से जाइएगा, सब अच्छा होगा, टिफिन बांध के देते हैं, कम से कम आज का दिन तो घर का खाना मिलेगा, नहीं तो इतना होटल का खाना खा रहे हैं कि घर के खाने का स्वाद ही भूल जाएंगे। रास्ते में भूख लगे तो खा लीजिएगा। हाँ अरे विनय से कहिएगा कि परसों तक लौट आएंगे और उसका गेम है ना, क्या नाम है उसका, वो भी ले आएंगे। उसकी फिक्र मत कीजिए, आजकल तो वो हमको कुछ पूछता भी नहीं है, अपनी धुन में रहता है। अच्छा ठीक है चलते हैं। असल जिंदगी में चली गई चालें, बुनी गई साजिशें अक्सर कहानियों में पेचीदा ट्विस्ट और टर्न्स को पीछे छोड़ देती हैं। अब इस केस को ही ले लीजिए, देखने में ये एक आम घरेलू परिवार का दृश्य मालूम होता है, पर अक्सर जो दिखाई देता है वो होता नहीं, और जो दिखाई नहीं देता वो अगले मोड़ पर घात लगाए बैठा होता है, और वो है होने वाले जुर्म का अदृश्य साया। अपने सारे खबरियों को काम पे लगा दो। कौन बात कर रहे हैं? माजरा का है नंदिनी, कुछ छुपा रही हो हमसे, लगता है कोई भीतरी मामला है और सभी लोग शामिल हैं। देखते हैं क्या है इस केस का असली रंग और कौन है ये रंगदार। आ गए, कपड़ा बदल लो और हाथ मुंह धो लो, हम खाना लगाते हैं। नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज करंटली स्विच्ड ऑफ। पापा का फोन ऑफ का है? विन है, बोले थे ना तुमको बिना पूछे फोन को हाथ नहीं लगाते, रख दो। पापा कहाँ गए हैं? नालंदा गए हैं, रास्ते में होंगे, जाओ कपड़ा बदलो। फिर नालंदा क्यों? विनय फोन रख दो। पापा माली नए वाला वीडियो गेम लाने वाले थे। हाँ तो लाएंगे ना बेटा, परसों आ रहे तब लाएंगे, जाओ हाथ मुंह धो के जाओ। Trying to call is currently switched off. कितनी बार कहे कि हमसे बिना पूछे फोन को छुआ ना करो, छोड़ो। ऐसा कहा है इस फोन में? पापा भी छूने नहीं देते और अब फोन भी नहीं उठा रहे। होमवर्क ये हो क्या, बस हर बात पे तुम होमवर्क पे आ जाती हो। हाँ के ना, पहले ये बताओ पापा का फोन स्विच ऑफ काहे है? अरे कितनी बार कहे, काम में होंगे, बंद रखा होगा, और तुम्हारा गेम 3 दिन के बाद आएगा तो कोई कोसी नदी में बाढ़ नहीं आ जाएगा। जाओ जाओ होमवर्क करो, तब तक उठना नहीं वरना देंगे एक लपट लगा के। Thank you.
is currently switched off. The number you have called is currently switched off. तुम्हारे पापा चार्जर भूल गए, बैटरी डाउन हो गया होगा। मम्मी, पापा को कुछ पता नहीं कब आएंगे। तुम चलो और कल गेम खरीद दो। ना ना, वो हमें कुछ नहीं समझता तुम्हारा गेम वेम। कुछ समझना नहीं है, सिर्फ जाके खरीदना है। तुम चलो और बस खरीद दो। पापा आएंगे तब खरीद के देंगे। नहीं, तुम खरीदोगी, वो भी कल स्कूल के बाद, वरना हम कल स्कूल नहीं जाएंगे, बोल देते। बदतमीजी नहीं चाहिए विनय, धमकी तो देना ही नहीं हमें। होमवर्क किया, स्कूल बैग रेडी किया, अब धमकी कौन दे रहा है? बस हर बात पर होमवर्क या बैग या और कुछ। तुम बस खाना खा लो, चलो खाओ। जब हम स्कूल से लौटेंगे तो वो गेम लेने जा रहे हैं ना? जब पापा आएंगे तो हम सब जाके गेम लेके आएंगे। अरे वाह, आज होमवर्क करने के लिए याद नहीं दिलाई। लपट लगाएंगे। शुक्र है चार्जर मिल गया आपको, डील हो गया। ऑफर 10 लाख का है नंदिनी भौजी, और अब डील आपको करना है। कौन बात कर रहे? हम बोल रहे हैं हमराज। कहाँ बकवास कर रहे हो तुम? और ओमकार जी का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? काहे के ओमकार जी हमारे पास है, सिर्फ एक के गोली से मिट सकता है, सीधे भेजे में। कहाँ बकवास कर रहे हो नंदिनी भौजी? अपहरण को बकवास नहीं कहते और फिरौती को धमकी नहीं समझते। बुझाया? हमारी बात करा उनसे? 10 लाख तो आप हम तक पहुंचा ही सकती, लेकिन नहीं दिए ना तो हम आसानी से ओमकार गुप्ता जी को मुर्दा घर पहुंचा देंगे। नहीं नहीं नहीं, सुनो हमारी बात सुनो। हेलो, वैसे मुर्दा घर में भयंकर ठंड होता है भौजी, स्वेटर शॉल रेडी रखिएगा, और नहीं तो 10 लाख रेडी रखिएगा। नहीं 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 नहीं, सुनो, हेलो हेलो, The number you are trying to call is currently switched off. समझ में नहीं आ रहा है, ओमकार जीजा जी को कोई क्यों उठाएगा? अब 10 लाख रुपए मांगे तो पैसों के लिए किया होगा ना? पता नहीं, उन लोगों का दोबारा फोन आया क्या? नहीं आया अब तक लोकेश भैया, हम कितनी बार फोन ट्राई किए रहे लेकिन बंद नहीं आ रहा है। अब वक्त बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे पुलिस के पास चलते हैं। लोकेश भैया, हमें तो ये रंगदारी का मामला लगता है। हम क्या कह रहे हैं कि पुलिस के पास जाके क्या फायदा? हम तो कहते हैं कि पैसे दे देते हैं और जीजा जी को घर ले आते हैं। जान है तो जान है दीदी। अरे ऐसे किसी को पैसे दे देना कोई हलवापुरी समझती हो का? अब ओमकार जीजा जी इतने बड़े आदमी तो है नहीं कि कोई रंगदार गैंग उन्हें अपना निशाना बना दे, उनको जरूर कोई गलत फहमी हुआ होगा। तो क्या करें, आप ही बताइए ना भैया। अरे हम कह रहे हैं ना, ये पुलिस का मामला है, जल्दी चलते हैं, देर नहीं करते। मीना तुम स्कूल जाके विनय को ले आओ, हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, चलो। डिलीवरी की जगह नहीं बताई? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बोला। और फोन भी एक ही बार आया? आज सुबह, फिर हम बहुत बार फोन ट्राई किए लेकिन बंद ही आ रहा है। फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है, कॉल रिकॉर्ड मंगवाए। आप बता रही थी कि ओमकार गुप्ता जी का फोन कल पूरा दिन स्विच ऑफ था। वो चार्जर ले जाना भूल गए। वरना हमेशा फोन करते हैं या आप करती हैं? वो काम में होते तो हम परेशान नहीं करते, वो रात को एक फोन करते हैं या तो फिर अगले दिन सुबह जैसे मौका मिले, फिर हम बस हलचल पूछ लेते थे। ओमकार जी की फोटो? सर हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ओमकार जीजा को ऐसे कोई क्यों किडनैप करेगा। देखिए आपको जो करना है जल्दी कीजिए, अगर सच में ये मामला रंगदारी का हुआ तो काफी मुसीबत में हो सकते हैं जीजा जी। आप घबराइए मत, हम जल्द से जल्द पता लगाने की कोशिश करेंगे। फोटो मिल गया है सर। चतुर्वेदी अपने सारे खबरियों को काम पे लगा दो, ये रंगदारी का मामला लगता है। नहीं, उन्होंने कभी बताया नहीं कि वो नालंदा में कहाँ ठहरते हैं। किससे मिलने वाले थे ये तो पता होगा ना आपको? नहीं, हम उनके काम में कभी दखल नहीं देते थे, बस उनको एक फोन आया और वो निकल पड़े।
एवन लिट्टी चोखा का नया ब्रांच खोलने वाले थे, ये बात तो पक्की है ना? हाँ, यही बोले थे वो। जी साहब, भाभी जी बताइए। नालंदा किससे बात करने के लिए गए थे और नया ब्रांच कहाँ खुल रहा है? वो सब तो हमको पता नहीं साहब, ओमकार सेठ जी हमको कुछ बताते नहीं थे। हम तो बस ये डिलीवरी देखते हैं और वो नहीं होते हैं तो गले पे बैठ जाते हैं। कोई तो होगा जिसे मालूम हो। साहब उनके दो बहुत खास दोस्त हैं, कृष्णा जी और विमल जी, आप साहब उनसे बात करिए। वो सब तो ठीक है, तुम्हारे इतने पसीने क्यों छूट रहे? साहब हमारे सेठ जी बस वो ठीक रहे, माई बाप हैं हमारे, बस उनके लिए थोड़ा परेशान। ओमकार का बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है और वो अपना बिजनेस बढ़ाना भी चाहता है। नया ब्रांच खोलने की बात किए हैं हमारे साथ, लेकिन नालंदा में नया ब्रांच, ये बात कुछ समझ में नहीं आया। तो खोलना ही है तो पहले अपने पटना में ही ना खोलेगा दूसरा ब्रांच? किसी और के साथ गुप्ता जी की गहरी दोस्ती है जिससे अपनी सारी बात कर लेते हो? सर हम दोनों ही हैं, बाकी नंदिनी भाभी से बातें होती होंगी, घरवाली से तो सभी बतियाते ही हैं। घरवाली से सभी बतियाते तो हैं, पर सब कुछ बताते हैं या नहीं ये कहना मुश्किल है। क्यों? पापा के आने के बाद खाएंगे? बेटा पापा आ जाएंगे और ऐसे खाने को मना नहीं करते, थोड़ा सा खा लो। मामी ये रंगदार कौन है? बेटा हम तुम्हें सब बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा खा लो पहले। लो। कब से चल रहा था जीजा जी का ये नालंदा आना जाना? पिछले 3 महीने से, ये 8वीं बार था। अजीब बात है, किसी को कुछ बताया ही नहीं कि नालंदा में कहाँ ब्रांच खोलने वाले थे, किसके साथ डील कर रहे थे। हमें तो कुछ पता नहीं भैया, बस पिछले कुछ दिनों से बड़े अजीब से उखड़े उखड़े से रहते थे। काम का बहुत टेंशन होगा शायद। शायद दोपहर से सारा खबरी बिल में घुस गए, पर अभी तो कोई टिप हाथ में आया नहीं सेना जी। खबरों को टाइट कर दीजिए, फोन अभी तक बंद है। ओमकार को ढूंढना होगा इससे पहले कि कुछ हो। सर इस ओमकार का धंधा जमकर चलता है, काफी मुनाफा होता है। मतलब रंगदारी का मामला हो सकता है? 10 लाख मांगना कोई अजीब बात नहीं है। सर रंगदारों के भी अपने खबरी होते हैं, पता चल गया होगा नया ब्रांच खोल रहा है। हो सकता है, लेकिन दूसरा फोन नहीं आया सेना, ये रंगदारों का स्टाइल नहीं है। इस ओमकार गुप्ता का कोई पर्सनल एंगल बनता है क्या? पर ऊपर से तो कुछ नहीं लगता, जिनसे भी बात की सब यही कह रहे थे कि इसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनियां अक्सर प्यार से भी तो पैदा होती है ना सेना। फैमिली वाला आदमी पूरा दिन गले पे बैठता है। है तो आदमी ना, याद रखो सेना, लिट्टी हमेशा धीमी आंच पे पकती है। फोन रिकॉर्ड आ गए? कल सुबह तक आ जाएंगे सर। ठीक है, देखते हैं क्या है इस केस का असली रंग और कौन है ये रंगदार। मामी किसने पापा को किडनैप किया है आप बताएं, नहीं रंगदार कौन है? कोई नहीं है बेटा, पुलिस पापा को लेकर आएगी। अब जल्दी से आंख बंद करो और सो जाओ। भैया भैया हमें बहुत डर लग रहा है, उन लोगों का फोन अब तक कहीं नहीं आया दोबारा। देखो चिंता मत करो, आएगा उनका फोन, और अब की बार फोन आएगा ना तो हम दे देंगे, उन्होंने जितना मांगा है जहां मांगा है दे देंगे। पुलिस के भरोसे बैठे रहे तो पता नहीं वो लोग क्या कर बैठेंगे। नहीं नहीं भैया ऐसा मत कहिए, उन्हें कुछ नहीं होगा, हमारा दिल कह रहा है वो एकदम ठीक है, तुम ठीक है वो। जुर्म और गुनाह गलत जरूर है, लेकिन एक पेशा भी है और पेशेवर मुजरिमों का काम करने का एक पैटर्न होता है, जैसे कि रंगदार और अपहरण करता फिरौती के पहले कॉल के बाद और कॉल करते हैं सौदा आगे बढ़ाने के लिए, इससे उनके इरादों का अनुमान लगता है। लेकिन इस केस में पहले कॉल के बाद एक विचित्र सन्नाटा था जो सिर्फ रंगदारों पर नहीं पर रंगदारी के एंगल पर भी सवालिया निशान लगाता है। उस खामोश रात के बाद जब सन्नाटा टूटा तब इस केस का पहला चौंकाने वाला ट्विस्ट सामने आया।
बोल रहे हैं? ये हम नहीं, आपके पति के फोन रिकॉर्ड्स बोल रहे हैं। आप हमें बताए थे कि 24 अक्टूबर यानी परसों सुबह आपके पति को एक फोन आया था, जिसके बाद वो नालंदा निकल गए। अच्छा ठीक है, हमारी बात सुनिए आप, अब भी फुल एंड फाइनल बताइए। फोन आया तो था, हमारे सामने ही बात हुई उनकी। और उनके फोन रिकॉर्ड्स के हिसाब से 24 की सुबह, दोपहर, शाम, रात आपके पति को कोई फोन आया ही नहीं। अरे ऐसा फालतू टाइम नहीं है हमारे पास मीटिंग करने के लिए। अच्छा ठीक है, बताते हैं। लेकिन हम खुद देखे, सुने उनकी बातें। नंदिनी जी, जब किसी का फोन आया ही नहीं तो वो किससे बात कर रहे थे और किसके लिए कर रहे थे? आपके लिए। हमने आपके पति के पिछले एक साल के फोन रिकॉर्ड चेक किए हैं और पिछले एक साल में वो कभी नालंदा गए ही नहीं। और वो रंगदारी का फोन? ऑफर 10 लाख का है नंदिनी भौजी। वो कॉल आया था बेगूसराय से। पिछले 3 महीने में आपके पति 7 बार पटना से बाहर गए तो थे, लेकिन नालंदा नहीं, बेगूसराय। कहाँ नालंदा और कहाँ बेगूसराय? तो हमसे कहे कहते थे कि नालंदा जा रहा हूँ। अब क्यों कह रहे थे ये तो वही बताएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि कोई ना कोई झूठ जरूर कह रहा है। अब कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है, ये तो तभी पता चलेगा जब आपके पति ओमकार गुप्ता हमारे सामने होंगे। आपके पति इस वक्त कहाँ है अभी तो ये नहीं पता, लेकिन बहुत जल्दी पता लगा लेंगे हम। इस ओमकार गुप्ता की कॉल लिस्ट स्कैन करो, इनकमिंग आउटगोइंग हर एक नंबर को ट्रैक करो, हर एक आदमी से पूछताछ करो। जी सर। इस वक्त यही मान के चलते हैं कि ये वो रंगदार है जिसका असली रंग कई चेहरों के रंग उड़ा देगा। माजरा का है नंदिनी, कुछ छुपा रही हो हमसे? हम कहे छुपाएंगे भैया, हम तो खुद परेशान है, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। आप दोनों हमें ऐसे कहे देख रहे हो? हम सच कह रहे हैं भैया, हमको कुछ नहीं पता। उस दिन उनका फोन आया था और ये के नालंदा जा रहे। सिन्हा जी, हमारे आला खबरी ने जवाब दे दिया, कह रहा कि सारे नेटवर्क खंगाले पर कोई भी ओमकार गुप्ता को दूर दूर तक नहीं जानता। ओमकार के फोन रिकॉर्ड्स के हिसाब से भी वो कभी नालंदा नहीं गए। हमें भी ऐसा लगता है, यहाँ पर हमने हर एक होटल, हर एक धर्मशाला, हर एक लॉज, हर एक बार को चेक कर लिया, कोई भी ओमकार गुप्ता को देखे तक नहीं। पर आप कह रहे थे कि उसका पत्नी के सामने उसने नालंदा का नाम लिया थे, हो सकता है पत्नी ने कुछ गलत सुना हो या शहर कोई और ही हो। अब कौन गलत सुना है, कौन गलत कहा है या फिर कौन गलत किया है, ये बात तो कहना मुश्किल है। पर हाँ, एक बात तो साफ है, ये कोई आम रंगदारी का केस नहीं लगता। सिन्हा सर, ओमकार गुप्ता के साथ साथ नंदिनी के फोन रिकॉर्ड्स भी छानो, क्योंकि एक वही है जो कह रही है कि उसका पति नालंदा जाता था। एक संभावना हो सकती है कि उसका पति उससे झूठ बोल रहा हो, और दूसरी संभावना ये भी तो हो सकती है कि नंदिनी गुप्ता हमसे झूठ बोल रही हो। माथा शांत रख के जाइएगा, नालंदा जाके सारा काम निपटा के आइए। तो ठीक है फिर, अभी निकल जाते हैं, दोपहर तक पहुंच जाएंगे। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या ओमकार गुप्ता इतने महीनों से अपनी पत्नी से झूठ बोल रहा था, या फिर नंदिनी गुप्ता ओमकार की पत्नी कोई मनगढ़ंत कहानी बना रही थी। झूठ तो सामने आया था, पर सच अब भी अदृश्य था। क्या इस केस में अब एक और ट्विस्ट आएगा और सच को सामने लाएगा, या फिर एक और झूठ पर रोशनी डालेगा? ये जो मार्किंग की है ओमकार गुप्ता के कॉल रिकॉर्ड्स में, क्या पता चला इससे? सर ये नंबर 444567876, इस नंबर से लास्ट कॉल किया गया था ओमकार गुप्ता को।
23 अक्टूबर की रात। सर ओमकार जी रेगुलर टच में रहा करते थे इस नंबर पर। औरत कहाँ है? जी सर कोई मनीषा चंद्रा है, फिलहाल फोन स्विच ऑफ है, एक घंटे में कॉल रिकॉर्ड आ जाएंगे। और ये जो पीले रंग से मार्किंग की है इसकी क्या कहानी है? सभी लड़कियां हैं सर। लड़कियां? प्रोस्टिट्यूट सर। ओ सभी लड़कियां बेगूसराय के कोटे से ऑपरेट करती हैं। जी कस्टमर है हमरा, कई बार यहाँ आया है, कहीं लड़कियों के साथ उठता बैठता है, क्यों साहब क्या हुआ इसे? सर ये सिर्फ बेगूसराय के कोठे की ही नहीं, पटना के कॉल गर्ल्स के साथ भी टच में रहा करते थे, लेकिन जब से गायब हुए हैं तब से किसी कांटेक्ट में नहीं है। वाह रंगीन, मतलब ये गुप्ता जी तो पूरे छुपे हुए इंद्रधनुष हैं। और जान पहचान के लोग क्या कहते हैं कि गुप्ता जी बड़े सीधे हैं, लेकिन हमें तो इनका दूसरा ही चेहरा नजर आ रहा है सेना। नंदिनी के फोन रिकॉर्ड्स? सर अभी तक तो कुछ नहीं मिला, लेकिन स्कैनिंग जारी है। स्कैनिंग करो, बारीकी से स्कैनिंग करो। अगर पति के दो चेहरे सामने आ रहे हैं तो पत्नी के भी दो अलग चेहरे हो सकते हैं। एक वो डरा हुआ चेहरा जो कंप्लेन लिखाने आया था, और एक दूसरा चेहरा जिसे अपने पति के इस चेहरे के बारे में पता था और उसने कंप्लेन लिखाने से पहले कोई और ही रंग दिखा दिया। तो सर आपको लगता है कि ओमकार के दूसरे चेहरे के बारे में नंदिनी को पता चल गया होगा और उन्होंने कुछ कर दिया हो सकता है, और ये कुछ कर देने के बाद वो पहला भोलेपन वाला चेहरा पहन लिया हो। सर लेकिन वो मनीषा चंद्रा भी तो है, ओमकार के बड़े करीबी रिश्ते मालूम होते हैं उनसे, और ये रहती भी बेगूसराय में। गायब होने से एक रात पहले आखिरी कॉल उसी का आया था। गुप्ता जी की काफी बातें होती थी इस मनीषा चंद्रा से। सर एक घंटे के भीतर हमारे पास सारी कॉल डिटेल्स आ जानी चाहिए। आने दो, सभी रंगों को खुलकर सामने आने दो। रंगदार इन्हीं रंगों के पीछे छुपा है ना। नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज करंटली। The number you are trying to call is currently switched off. मम्मी, पापा कब आएंगे? आएंगे बेटा, आएंगे। ये पिछले दिनों का कलेक्शन है और सब हिसाब भी लिख दिए अंदर। सेठ का कुछ पता लगा भाभी जी? हाँ सेना मिल गया। हमें मनीषा चंद्रा के नंबर का एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, फोटो और एड्रेस के साथ। चौहान कनेक्शन फॉर्म और रिकॉर्ड्स में एड्रेस सेम है, लगता नहीं कि फर्जी होगा, जरा कंफर्म करके बताइए। कौन है ये, पहचानते हैं इसको? ये तो मनीषा है, हफ्ते भर पहले तो यही रहती थी पास में, अब का कांड कर दी? पहले भी कुछ किया इसने? ये पूछिए कि का नहीं किया, ये एक नंबर की बेशरम औरत है, जवान लड़का दिखा नहीं कि टूट पड़ती थी सामने से। तुम्हारा नाम अजय है ना? जी। बड़ी देर से देख रहे थे हमको। जी नहीं तो वो हम नहीं देख रहे थे। हाँ
तुम देखते कहो, तुम तो बस घूरते हो, है ना? नहीं, ऐसा कोनो बात नहीं है। ऐसा कोनो बात नहीं हमारे में। खैर, हमारे साथ चलो, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। चलो भी, डर कह रहे हो? चलो। सुपर लॉज गए हो कभी? जी, नहीं गई कभी। तो चलो, हम ले चलते। बहुत ही बढ़िया जगह है वैसे। पूरे मोहल्ले में थू थू थी उसकी। अकेली रहती थी? नहीं साहब, पति रहता था उसका, पर ना के बराबर। बेचारा बीमार रहता था, रात दिन खांसता रहता था और इसका इंतजार करता रहता था। The number you have dialed is busy. Please try later. लगता है बेचारे को साथ ले गई होगी। कहाँ? अब हम क्यों पता करते जी? अच्छा ही हुआ निकल गई यहाँ से, सारा मोहल्ला खराब कर रखा था। अच्छा, मनीषा या इसके पति का कोई रिश्तेदार? अब हमें क्या पता कि कोई रिश्तेदार था कि नहीं, पर इसका पति 2 साल पहले कोई बिजनेस करता था, अच्छा खासा था। कैसा बिजनेस? अभी तो हमें नहीं पता। यहाँ तो ये लोग 2 साल पहले ही आए थे। ये घर तो किराए पर था। अब उससे पहले कहाँ रहते थे ये मत पूछिएगा। सर, मनीषा चंद्रा के बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। ये मनीषा चंद्रा ही शायद हमारे लिए खास है ना, क्योंकि गायब होने से एक रात पहले गुप्ता जी की आखिरी बात इसी से हुई थी। सर, बेगूसराय में पड़ोसी बता रहे थे कि ये मनीषा शादीशुदा है, पति बीमार है और चाल चलन की ठीक नहीं है। हाँ तो गुप्ता जी कौन से ब्लैक एंड व्हाइट हैं? हम इन्हें नहीं जानते। कौन है ये मनीषा चंद्रा? आपके पति दिन में 6 बार बात करते थे इस मनीषा चंद्रा से। हम इन्हें नहीं जानते। पक्का नंदिनी जी? जी। तारीख वही लिखता है जिसके पास ताकत हो, और ताकत का दूसरा नाम है पैसा, और मेरा चालबाज। मिलते हैं 14 फरवरी शाम 7 बजे क्राइम पेट्रोल सतर्क प्रेजेंट्स। कई सालों से आपकी दोस्ती है ना ओंकार गुप्ता से? है सर, लेकिन ओंकार ने हमें इनसे कभी नहीं मिलवाया। सर, कभी नाम तक नहीं लिए। और वो दर्जन भर कॉल गर्ल्स? क्या सर, आपको जरूर कोनो गलतफहमी हुई है। ओंकार बहुत ही सीधा साधा आदमी है, कभी ऐसी हरकतें नहीं कर सकता। लेकिन हमारे सामने तो कोई दूसरी ही तस्वीर आ रही है। अब या तो आप लोगों की दोस्ती झूठी थी, या फिर आप लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं। सर, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। ओंकार के बारे में ये सब हम लोग भी पहली बार ही सुन रहे हैं। अच्छा, आपका ये दोस्त पिछले 3 महीने से बेगूसराय आ जा रहा था, उसके बारे में कुछ पता है आपको? सर, वो बेगूसराय तो ओंकार हमारे साथ गए थे कुछ 3 महीने पहले। वो बेगूसराय में हमारे को काम निकल आया था, तो हम विमल से पूछे, फिर ओंकार से भी पूछ लिए। तो चलोगे? 3 दिन घूम घाम के लौटेंगे। अरे यार, गल्ला कैसे छोड़ें? अबे यार, दिलीप है ना। और सुनो, बेगूसराय में कोई जगह भी देख लो, वहाँ अपना नया ब्रांच खोल दो, सही चलेगा। अरे काहे नाटक कर रहे हो, चलो ना, बहुत मजा आएगा। अच्छा ठीक है चलते हैं। सर, 3 दिन थे वहाँ, फिर लौट है। ये मनीषा चंद्रा बेगूसराय के दिव्यानगर एरिया में रहती है, आपका काम उसी इलाके में था? नहीं नहीं सर, हम तो विकासगिरी होटल में ठहरे थे, और हमारा जो मीटिंग था वो गांधी मार्ग इलाके में था। तब हमें याद नहीं आया था सर, लेकिन अभी आपने बात की ना तो याद आया। ओमकार गए तो थे कृष्णा भाई और विमल के साथ बेगूसराय। बेगूसराय पहली बार ही गए थे ओमकार जी? हमका नहीं पता सर, और इतना सब कुछ सुनने के बाद तो हमें ऐसा लगता है कि हमको कुछ पता ही नहीं है। हमारे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि बेगूसराय जाते थे तो नालंदा क्यों कहते थे। नहीं साहब, हमने तो सेठ के साथ इनको पहले कभी नहीं देखा। देखो दिलीप, अगर कुछ जानते हो ना तो अभी सब बता दो, नहीं तो बाद में जब बत्तीसी तोड़ेंगे तो खुद सब सच बता दो। नहीं नहीं साहब, हम सच बोल रहे हैं। इन मैडम को हम आज पहली बार देख रहे हैं, और आज से पहले तो इनका नाम भी नहीं सुने थे।
नहीं सिन्हा, ये रंगदारी का मामला नहीं लगता, कोई और ही रायता फैला है। हाँ सर, लगता है कोई भीतरी मामला है और सभी लोग शामिल हैं, लेकिन ये नंदिनी के बारे में कुछ मिल नहीं रहा है। नंदिनी को फिलहाल हम सेफ लिस्ट में रख सकते हैं, क्योंकि पहली बात, कोई किसी को इतनी सफाई से साफ कर दे ये मुश्किल है, और दूसरी बात, अगर कोई कांड किया है तो खुद ही चल के हमारे सामने ढिंडोरा पीटने क्यों आएगी। और मनीषा चंद्रा? हाँ, मनीषा चंद्रा, इस औरत का और उसके बीमार पति का ओमकार गुप्ता के गायब होने के साथ कोई जोरदार कनेक्शन है। लेकिन सर, मनीषा और उसका बीमार पति खुद ही गायब है। अब या तो गायब हैं या खुद ही छुपे बैठे हैं। ढूंढो उन्हें सिन्हा, जितनी ताकत लगानी है लगाओ। जिस किसी के साथ मनीषा चंद्रा की एक बार भी बात हुई है उसे उठवा लो, किसी ना किसी को तो जरूर पता होगा कि कहाँ छुप के बैठी। अब ये मिलेगी तो पता चलेगा कि असली रंगदार कौन है। अब पुलिस का सारा फोकस मनीषा चंद्रा को ढूंढ निकालने में लग गया, और इस ऑपरेशन के दौरान इस केस का एक और ट्विस्ट सामने आया। एक संदेशा था, किसी की हत्या का आदेश था, अब पुलिस जुट गई इस हत्या को रोकने में, और शुरू हुआ चूहे बिल्ली का खेल। सर, ये प्रकाश मिश्रा है, मनीषा के साथ रेगुलर टच में रहे हैं। कितने रेगुलर? जितना ओमकार गुप्ता थे ना, उससे भी ज्यादा रेगुलर। कल भी मनीषा को फोन किए थे, लेकिन अभी इनका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। पता करो, ये भी तो गायब नहीं है सर। जी हाँ। इसमें तेरा नाम है और एड्रेस है। हाँ, नाम तो यही है और एड्रेस भी यही है। और कनेक्शन फॉर्म में तेरा फोटो भी है और यही एड्रेस है। हाँ, फोटो है तो? तो चले कहाँ? पहले पटना, फिर लॉकअप, उसके बाद देखते हैं कि तेरी रंगदारी क्या रंग लाती है। रंगदारी? हाँ, रंगदारी, 10 लाख की रंगदारी जो ओमकार गुप्ता के नाम से मांगी गई है। हम आपको बता चुके हैं सर, हम किसी ओमकार गुप्ता को नहीं जानते हैं और ना किसी मनीषा वनीषा को जानते हैं। हम एक इलेक्ट्रिकल कंपनी में काम करते हैं, आप लोगों से गलत फहमी हो गया है। साले, पिछले एक साल से तुम मनीषा चंद्रा से पतिया रहे हो और ओमकार गुप्ता के गायब होने के बाद से तुम उससे रेगुलर टच में हो। बोल बोल, कहाँ है मनीषा चंद्रा, कहाँ है ओमकार गुप्ता? बोल। अरे बोल तो रहे हैं 50 बार, आप लोग सुन ही नहीं रहे हैं, और सुन रहे हैं तो मानने को तैयार नहीं है। उस फॉर्म पे नाम हमारा है, एड्रेस हमारा है, फोटो भी हमारी है, लेकिन वो नंबर हमारा नहीं है साहब। शायद वो सही कह रहा है सिन्हा, ये आदमी पिछले 8 साल से किसी इलेक्ट्रिकल कंपनी में काम करता है, क्लीन रिकॉर्ड है। इसकी तस्वीर घुमाई है मैंने मनीषा के मोहल्ले में, इसे कोई नहीं जानता, और फोन रिकॉर्ड भी चेक किए थे। जो नंबर इसके फोन में इस्तेमाल हो रहा है और जिस नंबर से मनीषा को कॉल आता है, वो दोनों नंबर सेम नहीं है। IMEI नंबर भी चेक किया है। सिन्हा, शायद हमने गलत आदमी को उठा लिया है। ठीक है, छोड़ देते हैं इस प्रकाश मिश्रा को, लेकिन सिन्हा, जो नंबर इस आदमी के नाम से लिया गया है, जिस पर मनीषा चंद्रा की रेगुलर बात होती है, उस नंबर को और मनीषा के नंबर को टैपिंग पे डाल दो। हाँ, पैच तो कर दिया है, अब देखना यह है कि यह नंबर ऑन होता है या नहीं। रफीक, 5 दिन हो गए, इस ओमकार गुप्ता पर इतनी भर भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही नंबर है, एक मनीषा चंद्रा का और दूसरा इस नकली प्रकाश मिश्रा का। इनसे हमें कोई उम्मीद है? मम्मी, पापा हमको छोड़कर चले गए, क्या पापा को हम अच्छे नहीं लगते थे? पता नहीं बेटा, हमें कुछ पता नहीं। नालंदा जाके सारा काम निपटा के आइए।
लाइन ऑन हुई है। तुरंत पैच करो रफी। हाँ बोल। बहुत ज्यादा बवाल मच रहा है, खत्म कर दो उसे। ठीक है, कर देंगे, आज ले जाएंगे और सुला देंगे। फोन करना हमको सब होने के बाद। सर दोनों ही नंबर की लोकेशन बेगूसराय में सर, और दोनों ही नंबर फिर से स्विच ऑफ हो गए। The number you have called is currently switched off. बेगूसराय पुलिस को रेड अलर्ट पे डालो, उन्हें कहो सारे कस्बे में फैल जाए, शायद एक कत्ल होने वाला है और शायद ओमकार गुप्ता का। अब ये जो आदमी प्रकाश के नाम से नंबर इस्तेमाल कर रहा है उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। बेगूसराय पुलिस को कहो कि मनीषा चंद्रा को ढूंढे, अगर ये कत्ल की प्लानिंग है तो हमें किसी भी हालत में कत्ल होने से रोकना है। सर किसी का कत्ल होने जा रहा था, पर छुरा कौन चला रहा था, उसका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में था, इस गेम के खिलाड़ी कौन थे। शुरू में तो यह रंगदारी का केस लग रहा था, पर अब लग रहा था कि यह माजरा कुछ और ही था। रंगदारी से हटकर एक ऐसा रंग फिजा में फैल गया था जो कोहरा बनकर रहस्यमय ओमकार गुप्ता के गायब होने के रहस्य को और गहरा बना रहा था। इस केस में अलग अलग रंग के मुखौटे पहने और पहनाए जा रहे थे, जो हो रहा था उसका मकसद उस सब से परे था। लेकिन इस क्षण एक जिंदगी दांव पर थी। पुलिस की टीम को इशारा तो मिल गया था, उनके दरवाजे पर दस्तक तो हो चुकी थी, लेकिन क्या पुलिस इस कत्ल को रोक पाएगी? क्या इस केस का हल इस कत्ल को रोकने में था? इस कहानी का असली रंग क्या है, यह हम जानेंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे मुलाकात होगी कल शाम ठीक 7 बजे क्राइम पेट्रोल सतर्क प्रेजेंट्स के दूसरे स्पेशल फीचर चालबाज में। देखना मत भूलिएगा कल शाम 7 बजे। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।